जो अपनी बात रखना चाहता है, सबकी बात लगभग एक ही है। जी सर, आप अपनी बात रखिए। सबसे पहले मेरी बात यह है कि हम जहाँ हैं, जिस जगह पे हैं, हम एक कलाकार के नहीं, एक परिवार के घर पे आए हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब कोई चला जाता है ना, तो उसके साथ फिर कोई बात नहीं रह जाती है, सिर्फ एक ही बात रह जाती है, इंसानियत की और अपने पारिवारिक की। सर, समर सिंह की गिरफ्तारी पहले सुन लीजिए बात। मुझे एक बात का सबसे ज्यादा दुख है, उस पर तो आपने बात ही नहीं किया। आज आकांक्षा दुबे का 13वीं है। जी सर, जी। पूरा भोजपुरी समाज कहाँ है, इसका जवाब है आपको? पूरे पूरे सारे भोजपुरी कलाकार कहाँ हैं? थोड़ा थोड़ा पीछे रहिए। अब आप पहले ही बीबीसी लंदन बन जाएगा तो आप जैसे पत्रकार को हम क्या बोल पाएंगे? हम 13 दिन बाद रहे, आपको पता है कि मेरा प्रॉब्लम था, मैंने ऑलरेडी ऑफिशियल अनाउंस किया था। तो जानते हुए इतना गंदा सवाल कैसे बोल सकते हैं आप? आप तो अपने TRP के लिए दिन भर आकांक्षा दुबे का दुआरिया गोरे हैं। हमने कभी आपको बोला कि आप अपनी TRP के लिए काम? पहले बात सुनिए, जब हमने ऑफिशियल अनाउंस कर दिया कि तबीयत खराब था, 10 दिन से फ्लाई नहीं कर रहा था, बट आज मैंने क्या बोला कि आज 13वीं थी श्रद्धांजलि सभा में, पूरी इंडस्ट्रीज में कहाँ सारे लोग हैं, कौन आया कौन? मैंने पहले बात एक पारिवारिक सिस्टम पे की। जी सर, मैंने बात किसी के लिए और किसी के लिए नहीं की। मैंने ये बोला कि सबको पता है दुनिया में कि सुख अलग चीज है, बट दुख अलग चीज है। दुख ऐसा शब्द है जो किसी के लिए किसी से नहीं बना है। दुख में कोई भी कहीं से भी किसी के लिए आ जाता है, खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम जहाँ पे खड़ा है वो एक हमारा परिवार है। सब लोग बोलता है कि भोजपुरी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है आज के टाइम में, और एक बहुत बड़ी परिवार है, तो इस परिवार के हर एक सदस्य को अपने तरह से जरूर इस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। और आज अगर 13वीं थी तो सब लोग को आना चाहिए। बिल्कुल, मैंने सिर्फ इतना नहीं आया है उनके लिए क्या करिए। देखिए, ये मैं किसी का पर्सनली नहीं जानता है, नहीं आए हैं, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि आज 13वीं था तो आज पूरे इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं अपनी एक बात रखनी थी। आज उनको श्रद्धांजलि सभा जो देना था वो देनी चाहिए थी। उनके परिवार के साथ अगर हम खड़े हैं तो वो तो हैं ही, सब लोग खड़े हैं। मैं किसी को कभी ये नहीं बोल सकता कि कोई नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इस इंडस्ट्री में उनके परिवार को सबसे पहले उम्मीद तो सारे कलाकार से ही होगा, या इस इंडस्ट्री के लोगों से ही होगा। अगर उनकी माँ को उम्मीद होगा, उनके भाई को उम्मीद होगा, उनके परिवार को, क्योंकि उनके परिवार की बेटी ने कहाँ मेहनत किया, काम कहाँ की, वो इसी इंडस्ट्री में की, दूसरे इंडस्ट्री में तो नहीं की। तो मैंने वो बात रखा कि इस तरह की चीज़ों में पूरे इंडस्ट्री को एक रहना चाहिए, क्योंकि दुख ऐसी चीज़ है कि उसमें खड़ा होना चाहिए। सर, कुछ लोगों का कहना यह है कि भोजपुरी भी अब कहीं ना कहीं बॉलीवुड बना जा रहा है, और सुशांत सिंह राजपूत जैसा मामला अब भोजपुरी के अंदर भी आने लगा है, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए सर, क्या है कि आप पत्रकार हैं, मैं आपसे बड़ा नहीं हो सकता हूं, क्योंकि पत्रकार इस देश में सबसे बड़े होते हैं, मीडिया सबसे बड़ी होती है। किया जा रहा है, हो सकता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना आपका काम है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज इस घर पे बोल रहा हूँ, इस मिट्टी पे बोल रहा हूँ कि भगवान ना करे कि जिंदगी में फिर किसी को दूसरे आकांक्षा बनना पड़े। पहली बात। दूसरी बात, जिसको तकलीफ होती है वो जानता है। अगर मुझे तकलीफ है ना कुछ भी इस इंडस्ट्री में, तो मैं जानता हूँ, आप नहीं जानेंगे। आप सिर्फ मेरा चेहरा देख रहे हैं, मेरा हंसता हुआ चेहरा देख रहे हैं, बट मेरी तकलीफ मैं ही जानता हूँ। इसीलिए किसी की तकलीफ को ना बार बार कुदेरना, बार बार उसी चीज़ को वो करना, वो बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि हम ये कोशिश करें कि जो किसी भी तरह से, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है, अगर ये घटना हो भी गया तो आइंदा से इस परिवार के साथ सबको खड़ा रहना चाहिए, और आइंदा से कोशिश है कि हे भगवान, कभी भी हमारे इंडस्ट्री को किसी की नज़र न लगे, ऐसी कभी किसी के साथ ना हो। उस हर घर की बेटी, उस हर घर की लड़की जो हीरोइन बनने आ रही है, जो कलाकार बनने आ रही है, सिंगर बनने आ रही है, जो कुछ भी करने आ रही है, वो हर लड़का जो गरीब घर से आके कलाकार बनना चाहता है, कभी किसी को ऐसी नौबत आए ही ना, भगवान आने ही मत दो। आरोपी को क्या सजा मिलनी चाहिए? देखिए सर, मेरा मैं हर बात अपना स्पष्ट रखता हूँ, ये आप सबको पता है। मेरा पहले बात सुनिए, मुझे लगता है कि आप और हम और पूरा हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति कोर्ट से, जज से, हमारे न्यायालय व्यवस्था से बड़ा नहीं है, क्योंकि हमारी एक दायरा है, हम उससे बड़े नहीं हैं। और जब हमारे गवर्नमेंट के प्रशासन ने, जब हमारे गवर्नमेंट के एडवोकेट ने, अभी तो मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा एडवोकेट त्रिपाठी जी को, जिनको मैंने न्यूज में देखा, और मैं उनसे व्यक्तिगत परिचित नहीं हूँ, लेकिन सर थैंक यू सो मच कि एक बेटी के परिवार के साथ आप खड़े हुए और आपने बोला कि मैं फ्री में केस लड़ूंगा। इसके लिए त्रिपाठी जी, आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक सवाल है कि भोजपुरी इंडस्ट्री आपकी एक है, एक सेकेंड, सबसे ज्यादा आकांक्षा के परिवार
बिहार के साथ में कौन खड़ा है, आपकी इंडस्ट्री या हमारी इंडस्ट्री? सर बहुत गर्व के साथ बोल सकता हूँ, अभी अंदर बोला था, मुझे प्राउड है इस टोटल सोशल मीडिया वाले भाइयों पे। आप लोगों ने आकांक्षा दुबे के मैटर को जिस तरह से हर बात को हर घर हर कानों तक पहुँचाया है, उतना हमारे लोग खड़े नहीं हैं जितना आप लोग खड़े हैं, और मैं आप लोग पे गर्व करूँ। नहीं, आप धक्का नहीं खा रहे हैं सर, क्योंकि एक बात आप गलत कह रहे हैं। आपको मैं अभी क्या बोला, सिस्टम, न्यायालय, जज, वकील, कोर्ट, इन सब का एक दायरा है, एक सिस्टम है। आप किसी चीज को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। राकेश मिश्रा एक कलाकार हैं, वो सरकार नहीं है, वो जज नहीं है, उनके लिए भी न्यायालय है। तो हम किसी को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं और हर दिन बात रखेंगे। क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूं कि जिसके पास इतने सारे छोटे छोटे भाई हो, जिस आर्टिस्ट के पास इतने सारे भाई, आज इतने सारे आप लोग एक लाठी की तरह काम कर रहे हैं। हमारा इसी गाँव में आज पिछले 13 दिन से देख रहा हूँ कि जितने भी भाई हैं, मैं आप लोगों का जो ये वर्किंग है ना, वो देख के एक बात तो समझ में आया कि भाई आप लोग में बहुत दम है। आप लोगों ने वो काम किया है, आवाज़ को उठाया है, और आप लोगों ने अपनी बात रखी है, मुझसे भी अपनी बात रखी, सॉरी मेरे भाई। आप लोग आरोपी पर कुछ बोल दीजिए तो सर देखिए, नहीं मैं सीधा बात बोल रहा हूँ। आप जिसको जो कुछ भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं, मैंने क्या बोला, जिस दिन वो लिख के आ जाएगा कि वो फलाने हैं, उस दिन आपको पूछना नहीं पड़ेगा, ये भी बोलेंगे, ये भी अगर सर आरोपी पाए जाते हैं तो क्या होगा? पहले बात तो सुनिए, लेकिन क्या बोला, ये कौन, ये घोषित कौन करेगा, जो न्यायालय में जज साहब बैठे हैं। अभी हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ जैसे एक दूसरे का साथ दे रहे हैं वैसे उनके लिए साथ देना है, क्योंकि वो जो आत्मा है ना, वो परमात्मा के पास चला गया है। एक छोटा सा सवाल राकेश भी आपसे है कि भोजपुरी इंडस्ट्री एक सेलिब्रिटी कलाकार थी आकांक्षा दुबे, और उनके डेथ होने के बाद ऑटो में लावारिस लाश की तरह लाद कर लाया जाता है, आप लोग बोलते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री एक है। ये बात आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे लगता है कि पटना के बाद, बिहार की राजधानी पटना है, पटना के बाद यूपी में अगर कलाकार सबसे ज़्यादा रहते हैं तो वो बनारस में रहते हैं, और बनारस में लगभग बहुत सारे कलाकार रहते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ कि वहाँ कलाकारों का गढ़ है, एक रहते हैं, भोजपुरी का एल्बम काम भी होता है, स्टूडियो भी है, रिकॉर्डिंग है, सब है। वो जितने भी लोग हैं उनको पता नहीं चला या क्या सोच के वो नहीं खड़े हुए, नहीं पहुँचे, वो उस पर मुझे बोलना व्यक्तिगत रूप से इसलिए सही नहीं है कि इस दुनिया में हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रॉब्लम है, हर व्यक्ति का अपना अपना वर्किंग है। लेकिन आपका बात का ये जवाब है कि अगर हम एक कलाकार हैं और एक परिवार हैं, तो फिर उस समय जब आधी इंडस्ट्री बनारस ही रहती है, तो वो सारे चाहे बड़े स्टार हों, चाहे छोटे हों, चाहे वो रिकॉर्डिस्ट हों, चाहे राइटर हों, कोई भी हों, वो सारे लोग थे कहाँ, और उनको ऐसा कैसे लगा कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं, वो इस बार इतना सस्पेंस क्यों हो गया? मेरे से एक गलती हुई, लेकिन मैं क्षमा मांगता हूँ कि मुझे कुछ मेडिकल इशू था, और मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ कि मुझे कुछ पर्सनली दवा चल रही है, जिसके कारण मैं ट्रैवलिंग नहीं कर रहा हूँ। परिवार के लिए राकेश मिश्रा जी कब तक खड़े रहेंगे और न्याय में कितनी मदद करेंगे आकांक्षा के परिवार? देखिए, मैंने मदद क्या किया है वो मैं न लिखने में विश्वास रखता हूँ और न आपको बताने में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि अगर मैं एक बेटा बन के उनको मदद किया हूँ तो मेरा फ़र्ज है कि उस माँ का मैं इज्जत तो ख़राब नहीं करूँगा मार्केट में कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत तूफान खड़ा नहीं करना है, और मैं कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं हूँ, मैं एक गरीब परिवार का लड़का हूँ और मैं गरीब परिवार के साथ खड़ा हूँ। मुझे, मेरे पास सिर्फ इतनी ही औकात है कि सांस है शरीर में, तो जिस तरह से वो माँ जब भी मुझे एक बार बोलेगी कि हाँ बेटा कहाँ बड़ा, तो मैं बोलूँगा कि बोलिए माताजी क्या काम है, हम खड़े हैं, मेरा बस इतना ही काम है, मैं इससे ज़्यादा मेरी। चलिए, तो ये थे राकेश मिश्रा जी।